हम लोग बैठे हैं अपनी रेनॉल्ट काइगर में, ये कि हम अपना पीछे और इतनी जबरदस्त ये अपनी को ड्राइवर साइड पे, ठीक है, अब ऑनर चला रहे हैं। नॉइस इंजन का थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एम कार 077। भाई आज हमारे पीछे जो खड़ी है वो रेनॉल्ट काइगर एक्स RST वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है मैनुअल में। तो इसका ना उसका ड्राइविंग टेस्ट रिव्यू बताते हैं। एक्चुअली ये ना ये 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले ली थी। ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई, इनका नाम है अशद अहमद। तो पूरा मतलब बताएंगे कि ये चलने में कैसी है और क्या इसमें मतलब कितना टॉर्क है, क्या पावर मिलती है और क्या कंफर्ट रहता है चलाने में, ड्राइविंग पूरा बताएंगे उसका, मतलब पूरा ड्राइविंग टेस्ट रिव्यू बताएंगे। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना चाबी, इस चाबी जो देख रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट, भाई ये आफ्टर मार्केट है। वैसे तो आती है इसके अंदर ऐसी है वो, पर वो ब्लैक में होती है। हाँ तो चलो चलते हैं और अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं अपनी रेनॉल्ट काइगर में, ये कि जो कि वेरिएंट है RXT, ठीक है, और इसमें हम लोग बैठे हैं अभी ड्राइव टेस्ट रिव्यू कर रहे हैं इसका, और ऑनर जो है इनके हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो पूरा अपना करते हैं, देखिए बारिश भी हो रही है तो पता चल जाएगा भाई कि कितना अपना जो ग्रिप बना के रख रही है इस टाइम पे रोड के ऊपर। देखो चलने की बात करूँ ना, अभी इस टाइम मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ सीट कम्फर्ट की। तो भाई सीट कम्फर्ट की बात करूँ, देखो रिक्लाइंग एंगल जो है ना अपना, मतलब स्लोप है जो बैठने का, एकदम मतलब बिल्कुल सही तरीके से बैठ रहे हैं अपने पीछे, और इतनी जबरदस्त और प्योर प्रॉपर SUV अपनी लग रही है। मतलब जैसे देख रहे हैं ना आप पूरा, मतलब मुझे ऐसे आगे का बोनेट भी पूरा साफ दिखाई दे रहा है, जैसे पूरा दिख रहा है कि मतलब अगर मुझे थोड़ा ध्यान लगा, मतलब सीट बिल्कुल नीचे कर रखी है मैंने, जबकि इसकी सीटों में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, तो सीट भी हमने एडजस्ट नहीं कर रखी, नीचे कर रखी है, तब भी इसका बोनेट आराम से दिख रहा है। मान लीजिए अगर मैं सीट इसकी ऊंची कर देता हूं तो मुझे बोनेट और अच्छा दिखेगा, फिलहाल अभी तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इसका बोनेट, ठीक है। तो अभी जो हम उसकी ना पावर टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, तो अभी ऑनर से पूछते हैं कि अभी आपको ये कितने रुपए की पड़ी थी, मतलब अभी अपनी जो आपने ली वाली, तो अभी कितना टाइम हो गया पहले तो ये मुझे बता दीजिए आप। ये मैंने 30 सितंबर 2023 को खरीदी है, तो 6 महीने लगभग हो गए अपने, और ये मैंने 8,65,000 रुपए की ऑनरोड खरीदी थी। ये RXT मॉडल है मैनुअल में, हाँ 5 ईयर मैनुअल ट्रांसमिशन, उस रेंज में सारे ही फीचर्स मुझे मिल गए, बहुत सोच समझ के मैंने ये गाड़ी ली है। तो अभी इसके और भी अदर कॉम्पिटिटर थे तो उन पे ना जाके आप इस पे गए क्या, मतलब कैसा कौन सा पॉइंट था जो इस पे रुजू हो गए? काफी कंफ्यूज था मैं, मैंने पंच की टाटा की पंच ट्राई की, उसके बाद फिर ये हुंडई ओरा के प्लान कर रहा था मैं, महिंद्रा की XUV 300 थी, लेकिन इतने पैसों में मुझे ये सारे फीचर्स उन सारी गाड़ियों में नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं इस गाड़ी को फाइनली लेने का सोचा और मैंने ले ली। इसके AC भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी फिलहाल, A1 AC है। अच्छा ये पूरा जो इंटीरियर का जो ये वाला सिस्टम है ना, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, मतलब इसका जो आर्म रेस्ट है वो भी जबरदस्त है, और गियर नॉब मतलब एक पकड़ में बिल्कुल ग्रिप बन रही है पूरी तरीके से, सब कुछ इजी टू है ना, और ये अच्छी गाड़ी है, अपना पूरा टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाएंगे इसमें। अच्छा इसमें एयर बैग अपने दो ही आ रहे हैं? नहीं इसमें चार है, दो आगे हैं दो पीछे, दो पीछे, मतलब कर्टन एयर बैग नहीं है इसमें, मतलब 8.5 लाख की रेंज में आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हर गाड़ी में, इसमें ना आपको मिलते ना पंच, ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं मिल जाती है, अपने वो RPM के चारों विंडो पावर, अच्छा, ये है मैनुअल मिलता है, हाँ ये बढ़िया। अब इसकी पावर वगैरह चेक कर लेते हैं, 1 लीटर का टर्बो इंजन है इसके अंदर जो की 100 PS की पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसकी पावर थोड़ा सा अपना, देखिए पिकअप भी अच्छा ले रहा है एकदम से, एकदम भाग रही है और पेट्रोल में है, और इसकी ARI माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है कम से कम 20 के करीब करीब, पर जो एक्चुअल में जो हम लोग ऑन रोड अगर पता करें तो ऑनर इनका कहना है ऑनर का कि कितना 20 किलोमीटर पर आवर, नहीं वो तो ARI कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन आपने जो अभी ग्राउंड में मतलब चेक किया वो अभी मेरा 13.6 13.5 मान लो, 13-14 के करीब करीब निकल रही है, इन से बच के निकलो, पावर बड़ी अच्छी चल रही है एकदम से बात है, और 40 पकड़ ली है। टॉर्क का थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टॉर्क थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसका, ठीक है, बाकी गाड़ी हैवी है, मजबूती फील हो रही है बैठने पे मुझे, स्टीयरिंग भी कंफर्ट है एकदम, जो फीचर्स मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए सारे, अगर A to Z ही चाहिए होते तो फिर उस, अब इसका और भी मॉडिफाइड वर्जन आ गया उसमें सारे फीचर्स हैं। अच्छा ये लेने के बाद भी आपको मतलब मार्केट से क्या क्या करवाना पड़ा, मतलब कुछ ऐसा था? मैंने कुछ नहीं करवाया इसमें, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी सब कुछ इनबिल्ट था, सारा कुछ इनबिल्ट था इसमें, और ये अभी करीब करीब आपको कितने की पड़ी है ऑन रोड? ये ऑलमोस्ट 8,75,000 की मुझे पड़ गई, बहुत बढ़िया 8,75,000 में, और क्या चाहिए, प्रॉपर SUV चल रही है, और इसका जो आप टायर की हाइट है, इसकी लुक है, ग्रिप है, टायर की सारी कुछ A1 है, मतलब इसके अंदर बैठ के ऐसा फील होता है जैसे हम एक XUV लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। नहीं बाकी में ये जो इसका जो डैशबोर्ड का जो मतलब इंटीरियर का ये डिजाइन बना रखा है ना डैशबोर्ड से कनेक्टिविटी, बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला फील मुझे लग रहा है ना, मतलब महंगी गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी, जैसे डांस में भी देखा होगा हम लोगों ने,
ये जिसने भी मेरी गाड़ी देखी या जो भी नॉलेज रखते हैं थोड़ी बहुत, सबने बड़ी तारीफ की, बोले बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा हॉर्न भी देख रहे हैं आप, प्रॉपर एकदम दमदार हॉर्न है, ऐसा नहीं है कि मतलब पर है सिंगल टोन का लेकिन दमदार हॉर्न बिल्कुल सही चल रही है। स्टेयरिंग भी मस्त है इसका। अच्छा जो हमें इसके जो हेडलैम्प है वो मिलते हैं हमें हैलोजन में, है ना। फॉग लैंप में कंपनी फिटेड मिली या आपने बाहर से लगवानी पड़ी? सब कुछ वहीं से मिला है, सब कुछ वहीं से मिला है। अच्छा कभी चलाते चलाते आपको लगा कि 6 महीने में कि कुछ मतलब गड़बड़ लग रही है या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ मतलब अभी तक कि नहीं मुझे ये ले लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई? इसको लेने के बाद तो मैं कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मैंने कोई गलती कर दी लेने से या ये वाली लेनी चाहिए थी। इसके अंदर सारे फीचर्स हैं और आई एम वेरी वेरी सैटिस्फाइड। अच्छा सीएनजी की तरफ क्यों नहीं आपका रुझान हुआ कि मतलब सीएनजी? एक्चुअली जिसको लॉन्ग रूट पे चलना है, जिसको बहुत ज़्यादा कार का यूज़ करना है, मैं तो अपने फैमिली पर्पज़ के लिए लिए है और हफ्ते में 3-4 बार मैं निकलता हूँ, 2-3 दिन खड़ी रहती है। करीब करीब 7,275 किलोमीटर चल चुकी है ये 6 महीने में, ठीक है। और बाकी इसका जो 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 देख रहे ना आप क्लस्टर और एमआईडी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है और स्पीडोमीटर बारे जो है ना एमआईडी डिस्प्ले में जो डिजिटली आ रहा है इस तरीके से। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें क्या क्या मिल जाते हैं? एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है इसमें? अच्छा वायरलेस है या फिर वो है अपना? नहीं इसमें ये वायरलेस नहीं है, एप्पल के सेट में अगर हम लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल यूट्यूब भी वैसे ही चलेगा जैसे टीवी स्क्रीन वैसे। अच्छा यूट्यूब सपोर्ट करता है सब कुछ? सब कुछ। कई कई गाड़ियाँ होती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले होता है पर वो मैप सपोर्ट करता है और ऑडियो सिस्टम सपोर्ट करता है? नहीं इसमें सब कुछ है, मैप सपोर्ट करता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ सपोर्ट। अब देखिए जैसे पानी भरा हुआ है तो ऐसे इंडियन में हमें मतलब पता ही है कि सड़कों पे गाड़ी मतलब बहुत जरूरत पड़ती है एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मिल जाए। तो भाई 160 न्यूटन मीटर का इसका मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, जो ठीक है, पूरा प्रॉपर इतनी भारी गाड़ी है तो मतलब मजबूत है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई 205 है, तो भाई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है अपने को कि हम कहीं से भी निकल जाएं कितने भी तेज ब्रेकर आ जाए, है ना। स्पेस भी हमें बहुत अच्छा मिल जाता है इसके अंदर, इसके बहुत अच्छे हैं, बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है, 400 कुछ का अपना बूट स्पेस है, है ना, काफी अच्छी चल रही है यार, चल रही बिल्कुल। देखो खड्डे से निकाली, सस्पेंशन भी अच्छा काम करा इसमें, बहुत बढ़िया। तो इससे ये आपकी पहली गाड़ी है ना? हाँ। इसमें बहुत बढ़िया है इसके अंदर, मतलब ये डबल ग्लोव ग्लव बॉक्स है और क्या चाहिए, मतलब कई गाड़ियां होती हैं कि जो जो एयर बैग है वो यहाँ फिट कर देती है, इसकी वजह से हमारा ये ग्लोव बॉक्स चले जाता है, जैसे वैगनर के साथ हुआ। पहले वाले वैगनर में ऊपर यहाँ हमें स्पेस मिलता था रखने के लिए, लेकिन अब वो क्या कर दिया है वहाँ पर वो फिट कर दिया है बैग, लेकिन बैग वहाँ ऊपर फिट कर दिया आपका, बहुत बड़ी चाबी भी बहुत जबरदस्त इतना देख रहे हैं, लग रहा है कि मतलब BMW टाइप की, मतलब देख रहे हैं क्लासिक इतनी धांसू है। तो दोनों चाबी हमें ऐसी मिली है या फिर सिंगल? दो चाबी ऐसी मिली है। मैं आ गया हूँ अपनी को ड्राइवर साइड पे, ठीक है, अब ऑनर चला रहे हैं, ठीक है। उनको 6 महीने हुए चलाते हुए मतलब गाड़ी को, और बहुत अच्छी जबरदस्त चल रही है, मैंने भी चला के देखा। मेरा जो ऑल ओवर रिव्यू है ना, बस थोड़ा सा मुझे टॉर्क में थोड़ा सा लगा, लेकिन भाई गाड़ी भी थोड़ी भारी है इसलिए टॉर्क थोड़ा सा, और भाई कोई भगानी थोड़ी है, टॉर्क एकदम हैवी थोड़ी चाहिए हमें, तो टॉर्क भी बिल्कुल सही है गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। और बजट भी देख रहे हैं मतलब 8.5 लाख के करीब करीब इनको ऑन रोड पड़ गई है भाई। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, आगे का बोनेट में दिखा रहा था ना आपको, देखिए प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये जो मैट वगैरह है आपको ये बाहर से लगवाई गई है, ठीक है, और ये हमें मिल जाता है सारा सेटअप, ये सारा सेटअप मिल जाता है इसका। मैंने एक पूरा फुल्ली वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो बना दी है, वो आप जाके ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके चेक कर लेना, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी चलाने में, बिल्कुल टॉर्क है, थोड़ा सा नॉइस इंजन का थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ अंदर आ रहा है, वो तो 1 लीटर की आ रहा है, 3 सिलेंडर का इंजन है तो इतना तो रहेगा, लेकिन अगर म्यूजिक प्ले कर लेते हो आप तो वो भी खत्म, वो भी टेंशन खत्म, हल्का से बस लाइट म्यूजिक चलाने की दिक्कत है, मतलब वही शुरुआत है कि आप चलाएंगे तो वो भी आवाज़ आना बंद हो जाएगी, बस हल्की सी नॉइस थोड़ी सी है, वो भी माइनर सी है, वो भी इतनी बजट में यार और क्या चाहिए यार, आपको प्रॉपर एसी भी मिल रही है। चाबी देख रहे थे, चाबी देख के बड़ा दिल खुश हो गया, देख रहे हो इतनी जबरदस्त चाबी है भाई सब, है ना। तो ये पूरा एसी बैंड वगैरह सारा इसका फुल्ली वॉक अराउंड रिव्यू मैंने बना दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।